महाराष्ट्र से हमें दिल्ली जाना है। आपको मालूम है कि गए 26 नवंबर से दिल्ली में लाखों किसान बैठे हुए हैं। जो उनकी मांग है कि ये जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए वो कानून खारिज करना चाहिए, और जो बिजली बिल लाया है संसद में उसको भी पीछे लेना चाहिए। इसीलिए किसान आंदोलन में बैठा है गई 27 दिन से, और यही किसानों के साथ लड़ने के लिए और उसको उनका हौसला बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 21 तारीख से ये वाहन जत्था निकला है। ये जत्था का स्वागत करने के लिए हजारों हजारों पब्लिक हर जगह आ रही है। सैकड़ों लोग किसान खुद होके आ रहे हैं। मालेगांव जैसा शहर जो कोई पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं चलती, मगर बीजेपी छोड़ के सभी पार्टियाँ, यहाँ तक कि MIM के साथ भी शिवसेना, BSP, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी तो है ही, मगर ये सभी पार्टियाँ इकट्ठा होके ये जत्थे का जोरों शोरों से स्वागत किया। उसके बाद धुड़गे में बहुत बड़ा स्वागत हुआ, बाद में अरवी में स्वागत हुआ, अरवी के बाद अभी आप देख रहे हैं कि जिलिया में टोल नाका छोड़ने के बाद ही हर जगह स्वागत हो रहा है। इससे ये लगता है कि किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, वो आंदोलन सही है। ये मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है ये किसान विरोधी कानून है, और वो उन्होंने पीछे लेना चाहिए। ये बात लोगों के समझ में आ गई, इसके वजह से लोग हजारों के तादाद में आके सभी पार्टियाँ इकट्ठा होके एक जागृति बन गई है, और वो जागृति के हिसाब से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने ध्यान में रहना चाहिए, और ये जो किसानों की मांग है ये मांग को मानकर अपने वो 3 कानून पीछे लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। नाम क्या आपका? करबट। आप अभी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहा हूँ। मोदी सरकार ने 3 कानून किए हैं? हाँ, 3 कानून तो क्या है वो हमारे नापसंद है। हाँ, खेती के बारे में, किसान के बारे में। तो आप कैसा अभी आंदोलन करेंगे? वो तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अभी वो आदमी गया है पैंडल से, उसको उसमें से 25-35 आदमी मर गया है उसमें, पानी के फुहारे में, लाठी के बारे में आदमी वो सब मर गया है, वो 35-20 आदमी। तो आप मोदी सरकार को क्या बताना चाहते हैं? उसको हमको बिल नहीं पसंद है, ना पीछे ले रहो ऐसा बोलने का है। हम महाराष्ट्र से सब निकला है। देखिए, अभी हम जो नासिक से निकले कल, अभी आज दोपहर में मालेगांव में और अभी धुलिया में, हम देख रहे हैं कि सभी जो सेक्युलर पार्टियां हैं ये पूरी तरीके से आज ये अखिल भारतीय किसान सभा की जत्था के लिए पूरे समर्थन में आए हैं। अलग अलग किस्म से उन्होंने मास्क दिए, उन्होंने सब्जी दी हमको, अलग अलग ये पूरे किसानों को जो भी मदद करना मुमकिन था ये हमारे सभी साथियों ने किया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पूरे किसान आंदोलकों के तरफ से। इससे एक बात क्लियर होता है कि आज ये संघर्ष ये सिर्फ, जैसे मैंने कहा, सिर्फ किसानों का रहा नहीं, ये पूरी जनता का संघर्ष आज बना है। और ये लोगों को भी पता है कि मोदी सरकार जिस प्रकार से पेश आती है, लाखों किसान 3 हफ्ते से ज़्यादा 27 दिन दिल्ली के इर्द गिर्द में आज वहाँ पर बैठे हैं, उनकी पर कोई रहम न दिखाकर आज इसके बारे में बहुत बड़ा गुस्सा है पूरे देश भर में। और वो आज हमको कल नासिक में, आज मालेगांव में और अभी धुले में हमको दिखाई दिया। मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा पूरे देश भर में बढ़ेगा, और ये मोदी सरकार को ये करना बहुत ही मुश्किल जाएगा। मुझे लगता है कि जनता मोदी सरकार को जो सबक सिखाना है वो जनता जरूर उसको सिखाएगी। तो यंदा सगळ्यांना वाटत होतं कांद्याला भरपूर भाव मिळेल, तर काय झालं त्याच्यामुळे तुम्हाला भाव नाही मिळाला? ते काही सरकारनेच काय केलं काय नाही, तुमचा शेतकरी सगळा बुडवा सरकार, व्यापारी वर्ग
वाणी मार्ग त्यांचा भाव चढावून दिला, शेतकऱ्यांचा काहीच झाला नाही. 8-15 दिवस चाललं ते मार्केट 5-6 हजार रुपये, लगेच 1000-1500 2000 असेच झालं. आता खूप शेतकऱ्यांनी अजून बी कांदे लावून धरले, काही काहींनी ते बेभावात जाऊन राहिले. आणि काही अशा शेतकऱ्यांनी शेतकरीलांना आणलं, उळे भरून आणले चांगल्या चांगल्यांनी, ते उळे टाकले 4-4 पाहिले ते झाले 50-50, 60-40 हजार रुपयाचे नुकसान. नाम क्या है? यशवंत सुलार. अभी आप कितने दिनों की तैयारी से जा रहे हैं? अभी हमारे पास लगभग 1 महीना का तो हमारे पास इधर राशन है, गैस सिलेंडर है, सब तैयारी से हम उधर से आया है, डहाणू से, डहाणू महाराष्ट्र से. अभी मोदी जी को क्या बताएंगे आपकी? मोदी जी अभी वापस नहीं ले रहे कानून, तो उनको क्या बताएंगे? मोदी जी को यही बताएंगे कि जब कानून 3 कानून बनाया तो किसी को पता भी नहीं, हम वो मन मर्जी से कायदे बनाता है, किसान को कुछ काम करने है और जी मंडी आता है उसको भाव नहीं मिलता है अच्छे तरह से. जब ये कायदा नहीं था तब भी बुरे दिन थे किसान को, तो अभी ये कानून बनाया होगा तो जो उससे ज़्यादा विकट परिस्थितियों के किसानों पर आएगी, इसलिए हम ये कायदे के विरोध में उधर जा रहे हैं दिल्ली में.